दोस्तों आज हम जा रहे हैं डलहौजी से सच पास। डलहौजी से सच पास के इस सफर में पहला हिल स्टेशन रहने वाला है खजियार। डलहौजी से खजियार की दूरी मात्र 21 किलोमीटर है और एक घंटे का ये सफर आपके जीवन का यादगार सफर रहेगा, क्योंकि एक घंटे के इस सफर में आप भारत के बेहद खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करेंगे। आप भी घर बैठे हमारे साथ इस सफर को एंजॉय कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक छोटी सी शिकायत है आपसे, आप फ्लो फ्लो में पूरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि मैं दावा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच पास के इस सफर में बहुत सा एडवेंचर देखने को मिलेगा, बड़े बड़े झरने देखने के लिए मिलेंगे और दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों का भी सामना हमें करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डलहौजी से सच पास का ये खूबसूरत, एडवेंचरस और खतरनाक सफरनामा। अभी हम लोग पंचपुला से वापस डलहौजी की ओर आ रहे हैं, क्योंकि पंचपुला से डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है चंबा या खजियार की ओर निकलने के लिए या सच पास के लिए, तो वापस हमें डलहौजी आना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा रूट है जिसे हमें फॉलो करना है। तो अभी हम डलहौजी में गांधी चौक पर पहुंच चुके हैं और आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड में हम यहां से नीचे वाले रोड पर गए थे पंचपुला के लिए। अब हमें लेफ्ट हैंड पर मौजूद ऊपर वाले रास्ते से आगे बढ़ना होगा। यही रास्ता खजियार, चंबा और हमें आगे सच पास तक लेकर जाएगा। तो चलिए अभी डलहौजी को करते हैं बाय बाय, क्योंकि अब आगे की जर्नी बहुत एडवेंचरस रहने वाली है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अब हमने यहाँ से ले लिया है यू टर्न ऊपर की ओर। सामने इंडो तिब्बतन मार्केट मौजूद है और चलिए एक बार मार्केट में और चलते हैं। इंडो तिब्बतन मार्केट में अगर आप डलहौजी आते हैं तो आप इस तिब्बत मार्केट में भी घूमने जा सकते हैं। तो एक बार चलते हैं यहाँ भी, देखते हैं इस मार्केट में क्या है, उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, तो गाड़ी को साइड में लगाना ही बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है। देखते हैं, गाड़ी साइड में लगाते हैं और उसके बाद तिब्बतन मार्केट को भी एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या है, कितना बड़ा ये मार्केट है, आना वर्थ है या नहीं। यह है चंबा डलहौजी रोड से डलहौजी के खूबसूरत नज़ारे। चलिए मार्केट के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। यह है इंडो तिब्बतन मार्केट, काफ़ी सारी शॉप्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, सामने ही मार्केट का एंड हो जाएगा। तो ये छोटा सा मार्केट है, अगर आप आना चाहते हैं तो गांधी चौक के पास में ही स्थित है, एक बार विजिट कर सकते हैं। और ये है मार्केट के बाहर से चंबा रोड से डलहौजी के खूबसूरत नज़ारे। बादल देखिए आप कितना नीचे, आज भी वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बारिश के बारे में तो बस मान के चलिए कभी भी हो सकती है। और इस समय तो सभी पहाड़ी इलाकों में बहुत वेदर ख़राब चल रहा है, तो अगर आप टूर प्लान करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर ही आइएगा। चलिए अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ आप ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है और रास्ते की सारी खूबसूरती आपको दिखाते चलेंगे, क्योंकि बहुत शानदार आगे की ये जर्नी रहने वाली है। तो कोई भी पार्ट मिस मत करना, अगर पिछले पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुरू से सीरीज को देखिए, बहुत शानदार ये सीरीज रहने वाली है। लास्ट सीरीज की तरह ये भी सीरीज बहुत एडवेंचरस रहेगी। डलहौजी से 2 किलोमीटर की दूरी पर डलहौजी पब्लिक स्कूल आएगा, उसी ओर अभी हम जा रहे हैं और यही चंबा रोड है। वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, अभी भी काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर और रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, नैरो ही रोड है, लेकिन खूबसूरती इस रोड पर अलग लेवल की हमें देखने के लिए मिलने वाली है। आपको भी हम वो खूबसूरती दिखाने वाले हैं, तो वीडियो से जुड़े रहिए। इस रोड पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं,
अगर आप डलहौजी में स्टे करना चाहते हैं तो इस रोड पर आकर भी स्टे कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ भी अवेलेबल हैं। देखिए कितनी कम चौड़ाई है रोड की कि सामने से एक ट्रक आया और हम लोग फंस गए। अब गाड़ी हमें बैक करनी होगी, उसके बाद ही ये ट्रक निकल पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ड्राइविंग स्किल आपका एक दो लेवल ऊपर ही होना चाहिए तभी आप इस रोड पर आ सकते हैं, क्योंकि रास्ते थोड़े खतरनाक होने वाले हैं। वो सारे ही रास्ते आपको आगे इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में देखने के लिए मिलेंगे। रास्ते की खूबसूरती देखिए आप, किस तरह से रास्ते को बनाया गया है, और ये है डलहौजी पब्लिक स्कूल के आसपास का इलाका। कितने खूबसूरत रोड है, दोनों साइड में इतने अच्छे अच्छे पौधे लगाए गए हैं, कितने खूबसूरत फ्लावर्स उन पर लगे हुए हैं, बहुत शानदार नज़ारे। ये है डलहौजी पब्लिक स्कूल और वेदर इस वक्त इतना खूबसूरत हो रखा है, ये नज़ारे और भी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ कि पैदल भी अगर आप घूमेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग अपनी सेंट्रो कार से हैं तो खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे रोड देखे हैं आपने कहीं, इतने खूबसूरत, दोनों साइड में इतने सुंदर सुंदर पौधे लगाए गए हैं, और इधर डलहौजी पब्लिक स्कूल मौजूद है, बहुत खूबसूरत नज़ारे। यहाँ कुछ लोग पैदल भी वॉक कर रहे हैं क्योंकि जगह ही इतनी खूबसूरत है, रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि पैदल चलने में जो मज़ा है वो शायद कहीं नहीं। डलहौजी पब्लिक स्कूल से 650 मीटर की दूरी पर ही ये पॉइंट आया है, इस जगह का नाम है बिजीस पार्क, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एरोप्लेन वगैरह को लगाया गया है, कितना खूबसूरत पार्क है और कितने खूबसूरत ये रास्ते हैं जहाँ अभी हम लोग चल रहे हैं। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये नज़ारे कैसे लग रहे हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कोई फ़ायदा नहीं आपका वीडियो देखने का, एक लाइक तो कर ही दीजिए। हम लोग इतना दूर ऐसे ऐसे इलाकों में आते हैं इन वीडियोस को शूट करने के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए। बिजीस पार्क से करीब 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक व्यू पॉइंट आता है जहाँ से आप डलहौजी का बेहद खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ एक हॉस्पिटल भी मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अभी इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं, टेम्पो ट्रैवलर भी हैं, टैक्सी भी हैं, लोगों की पर्सनल कार भी हैं, और नज़ारे वाकई में लाजवाब है। अभी यहाँ से थोड़ा और आगे आएंगे तो डलहौजी हिल टॉप स्कूल आ जाएगा, जो एक बोर्डिंग स्कूल है, बहुत खूबसूरत है ये स्कूल भी। अगर आप अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ भेज सकते हैं, डलहौजी हिल टॉप बोर्डिंग स्कूल में। नज़ारे देखिए आप यहाँ से, कितने लाजवाब हैं, और जगह जगह फूड पॉइंट फूड कैफे मौजूद हैं, तो फूड से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। और यहाँ पर इस रोड पर पेट्रोल पंप नहीं है तो गाड़ी में पेट्रोल डीजल पहले से ही फिल करा के आप चलिएगा डलहौजी से ही, जहाँ भी बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। तो स्टे करने के लिए एक पीसफुल जगह आप ढूंढ रहे हैं तो चंबा रोड पर आ जाइए, डलहौजी पब्लिक स्कूल से थोड़ा और आगे आइए, आपको काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स और अच्छे होटल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। नज़ारे देखिए आप यहाँ से, कितने लाजवाब कितने खूबसूरत हैं। अभी यहाँ डलहौजी हिल टॉप स्कूल आ गया है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था, ये एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पर एक शानदार एक बेस्ट बोर्डिंग स्कूल है। अगर आप अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ऐसी शानदार लोकेशन पर ये स्कूल बनाया गया है, बहुत लाजवाब। खूबसूरती देखिए आप, यहाँ मौजूद देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, यहाँ के ये रोड, रास्ते में मौजूद होटल रिजॉर्ट्स और ये स्कूल खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, बहुत एनहेंस कर रहे हैं, लाजवाब नज़ारे हैं।
डलहौजी हिल टॉप बोर्डिंग स्कूल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बकरोता हिल व्यू पॉइंट आता है, जहाँ से आप हिमालयन रेंज के बेहद खूबसूरत नज़ारों को इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अभी यहाँ जा रहे हैं। देखिए, ये वही पॉइंट है, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा अभी हो रखे हैं तो पहाड़ों के उन खूबसूरत व्यू को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बेहद खूबसूरत ये पॉइंट लग रहा है। बेहद खूबसूरत नज़ारे हम यहाँ से देख पा रहे हैं, लाजवाब नज़ारे, अल्टीमेट। यही नज़ारे हैं, यही रास्ते हैं जो इसे बेहद खूबसूरत रास्तों की सूची में डाल देता है। अभी हम आगे बढ़ चुके हैं और इस व्यू पॉइंट से करीब 2 या 2.5 या 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है, लक्कड़ मंडी। अभी हम उसी ओर जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम देख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत नज़ारे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ जगह रोड पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हमें थोड़ा ब्रेकफास्ट भी करना है, तो ब्रेकफास्ट के लिए हम कुकिंग खुद करेंगे, तो कोई लोकेशन हम ढूंढ रहे हैं। चलिए यहाँ गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं कि कोई अच्छी लोकेशन मिलती है तो थोड़ा ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। रोड से थोड़ा नीचे हम लोग आए हैं और बेहद खूबसूरत लोकेशन हमें दिखाई दी है। चलिए यहीं पे ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। खजियार जा रहे हैं अभी और रास्ते में एक जगह रुक गए हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे, चाय बना रहे हैं और मैगी बना रहे हैं। और लोकेशन देखो यहाँ की, आप लोकेशन बहुत शानदार है। ये कट रही है यहाँ पर प्याज, टमाटर और मिर्च, और इधर लग गया हमारा चूल्हा, यहाँ पे चाय बनाई जा रही है। वेदर भी मस्त हो रखा है, एकदम बादल हो रखे तगड़े वाले। टाइम लैप्स में ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। नज़ारा देखिए आप, किस तरह से बादल नीचे से ऊपर की ओर उठ रहे हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है। और इस शानदार नज़ारों के बीच में हम लोग अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। मैगी बनके रेडी हो गई है और मैगी खा रहे हैं अभी, उसके बाद निकलेंगे। तो कैसी बनी है मैगी? मैगी बहुत अच्छी बनी है, बेहतरीन शानदार। क्यों मोंटी भैया, बढ़िया? सत्येंद्र भैया मस्त, मज़ा आ रहा है? चलो मैगी खाते हैं, उसके बाद तो चलना है खजियार चलेंगे। ब्रेकफास्ट तो हो गया है और सही समय पे हमने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, क्योंकि आने वाले रास्ते बेहद खतरनाक हो जाएंगे, ऐसा ना हो कि हम किसी का ब्रेकफास्ट बन जाएं। तो सही समय पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आगे इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अभी हम आगे निकल चुके हैं और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे फूड पॉइंट और ढाबे बने हुए हैं, कुछ गेस्ट हाउस भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ होटल्स भी यहाँ मौजूद हैं। ये लक्कड़ मंडी के आसपास का इलाका है। आपके मन में एक सवाल इस वक्त चल रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि ब्रेकफास्ट अभी कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि हम किसी का ब्रेकफास्ट बन जाएं। तो उसका क्या कारण है अभी आगे आपको मैं दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। नज़ारे देखिए फिलहाल आप यहाँ से, खूबसूरत देवदार के पेड़, खूबसूरत रास्ते, बहुत शानदार वेदर हो रखा है। डलहौजी से खजियार के बीच की दूरी करीब 21 या 22 किलोमीटर के आसपास है और 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटे से भी कम समय आपको लगेगा अगर आपकी स्पीड अच्छी है। लेकिन ये जो सफ़र आपका रहेगा ना, बहुत शानदार रहेगा। हमें तो खजियार से बहुत आगे जाना है, हमें तो सच पास तक जाना है, तो हमें तो इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू अभी आगे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इस सीरीज के साथ। फिलहाल ये नज़ारे देखिए आप। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, पहले शुरुआत में रोड इतना अच्छा हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन जितना हम आगे आए हैं तो रोड उतना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। चौड़ाई भी डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी ड्राइविंग करने में हमें कोई इश्यू नहीं हो रहा है। सेंट्रो हमारे पास कार है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से हम यहाँ पर गाड़ी चला पा रहे हैं। तो अगर आपका ड्राइविंग स्किल थोड़ा बेटर है, हिल एरिया में आप चला सकते हैं, तो आप ईजिली यहाँ आ सकते हैं। शुरुआत में कुछ जगहों पर रोड काफ़ी नैरो है, तो वहाँ थोड़ा सोच समझ के आपको ड्राइविंग करनी होगी। ब्यूटी के मामले में बहुत खूबसूरत जगह है, मस्ट विजिटिंग प्लेस है।
जो लोग डलहौजी आते हैं वो खजियार तो घूमने जाते ही हैं, जैसे मनाली जाने वाले सोलांग वैली या रोहतांग पास जाते हैं और शिमला आने वाले कुफरी तक जाते हैं, तो वैसे ही डलहौजी आने वालों को खजियार तो एटलीस्ट आना चाहिए। 1 घंटे की दूरी है और बहुत खूबसूरत नज़ारों को इंजॉय करते हुए आप इस यात्रा को करेंगे। बादलों की वजह से खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ चुकी है और वेदर काफ़ी ठंडा है। यहाँ सामने से एक रास्ता डाइवर्ट हो चुका है और एक रास्ता जा रहा है राइट हैंड पर ऊपर की ओर और एक रास्ता जा रहा है लेफ्ट हैंड पर। लेफ्ट वाला रास्ता तो खजियार और चंबा के लिए निकल जाएगा, लेकिन राइट हैंड पर जो रास्ता ऊपर जा रहा है वो दानीकुंड की ओर निकल जाएगा और दानीकुंड यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हम जा रहे हैं खजियार की ओर। ब्यूटी देखिए आप यहाँ की, लाजवाब है। यहाँ पर है एक चेक पोस्ट और यहाँ हमें रुकना होगा और यहाँ इस पॉइंट से ना काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक टैक्स हमें देना होता है, एक पर्ची मिलेगी, उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कितना आपको पेमेंट देना है और क्या उसका यूज़ है वो मैं आपको दिखाऊँगा भी और बताऊँगा भी। यहाँ भी काफ़ी सारे होटल्स मौजूद हैं, कुछ ढाबे भी मौजूद हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। 50 यहाँ से आप काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए निकल सकते हैं, काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्रैकिंग के लिए निकल सकते हैं, कैंप साइट के लिए निकल सकते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है। ये वो स्लिप मिली है, 50 रुपये का टैक्स हमें यहाँ पे करना होता है जो काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री करने के लिए प्लस खजियार में गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए, दोनों के लिए। यानी खजियार में आपको पार्किंग के लिए कोई अलग से पार्किंग शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है और ये लक्कड़ मंडी के आसपास का ही इलाका है और यही लक्कड़ मंडी गांव है। लक्कड़ मंडी गांव से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है खजियार। खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वैसे तो भारत में, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जैसे हम उत्तराखंड में चोपटा जाते हैं तो वहाँ पर चोपटा को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में ही कुमाऊं क्षेत्र में एक हिल स्टेशन है कोसानी, उसको भी मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब ऐसा ही हम यहाँ देख रहे हैं कि खजियार को भी मिनी स्विट्जरलैंड नाम दिया गया है। और वाकई में सभी जगह मिनी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। और मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहें हमसे, हम तो इसे इंडिया ही बोलेंगे और जब इंडिया इतना खूबसूरत है तो हम इसे मिनी स्विट्जरलैंड नाम नहीं देंगे, हम इसे अपने भारत की खूबसूरती कहेंगे, क्योंकि हमारा भारत, हमारा देश लाजवाब और खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। जहाँ से हमने वो स्लिप कटाई थी 50 रुपये की, वहाँ से लेकर खजियार तक 13 किलोमीटर के इस डिस्टेंस में किसी भी तरह का कोई फूड पॉइंट, ढाबा, होटल मौजूद नहीं है। ये काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इलाका है। अभी हम इसी सेंचुरी के अंदर चल रहे हैं तो यहाँ पर जगह जगह नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं कि आपको यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना है और यहाँ पर आप कैंपिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर आप किसी भी तरह से कुकिंग नहीं कर सकते। यही कारण था जब हमने कुकिंग की थी तो मैं बोल रहा था ऐसा ना हो कि आगे जाने के बाद हम खुद किसी का ब्रेकफास्ट बन जाए, क्योंकि काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत ज़्यादा मात्रा में लेपर्ड, भालू मौजूद हैं, तो हमेशा यहाँ रिस्क रहता ही है। इसके अलावा हिरन और बहुत से अलग अलग प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर हैं। और अमूमन सुबह के समय अगर आप यहाँ आएंगे अर्ली मॉर्निंग तो आपको काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स तो रोड पर ही देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे हिरन वगैरह तो आमतौर पर यहाँ आप देख ही सकते हैं, लंगूर आप आमतौर पर रोड पर ही देख सकते हैं, लेकिन भालू और तेंदुए भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में है, तो थोड़ा रिस्क रहता है। इसलिए इस 13 किलोमीटर के दायरे में आप बिना गाड़ी से उतरे ही निकल जाएँ तो ज़्यादा सुरक्षित रहने वाला है, इसीलिए हमने पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था।
ये 13 किलोमीटर का रास्ता भी बेहद खूबसूरत है। रोड के दोनों साइड में घने जंगल हैं, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, खूबसूरत से रास्ते हैं, कहीं पर ऑफ रोड तो कहीं पर बहुत शानदार रोड है। बहुत लाजवाब नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन अभी हम यहाँ नहीं रुकेंगे और गाड़ी से नहीं उतरेंगे, अब हम सीधे खजियार जाएंगे क्योंकि ये रास्ता थोड़ा रिस्की है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यहाँ स्नोफॉल कब होता है, तो स्नोफॉल के बारे में तो एग्जैक्ट डेट बता पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन विंटर में ही यहाँ स्नोफॉल होता है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब खजियार में आपको अच्छा खासा बर्फ़बारी देखने के लिए मिल जाएगी, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बर्फ़ में ही होती हैं, वो आप वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल ये खूबसूरती देखिए आप रास्तों की, बहुत लाजवाब नज़ारे हैं, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। 1 घंटे का ये सफ़र बहुत ज़्यादा रोमांचक रहेगा, बहुत एडवेंचरस रहेगा। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट खजियार की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते की चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं है कि दो गाड़ी आसानी से बराबर से निकल सके। जैसे कि आप देख रहे थे कि ट्रक को आने के बाद गाड़ियों को कैसे धीरे धीरे आगे से निकलना पड़ा है, तो थोड़ा ड्राइविंग स्किल बेटर ही होना चाहिए। बेशक आप पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हो, लेकिन एक लेवल ऊपर ही अगर आपका ड्राइविंग स्किल है तो आप इस रोड पर अपनी गाड़ी लेकर आइएगा, अदरवाइज़ आपको डलहौजी से टैक्सी मिल जाएंगी जो राउंड ट्रिप करा देंगी। चार्जेस अलग अलग रहते हैं, 2000 से 2500 रुपये के आसपास का चार्जेस रहते हैं, आप चाहें तो टैक्सी हायर कर लीजिए। डलहौजी से बाइक भी आप चाहें तो रेंट पर ले सकते हैं, बाइक के चार्जेस 500-600 रुपये से स्टार्ट होता है, 2000 तक अलग अलग बाइक के हिसाब से अलग अलग रेंट रहता है, तो दो लोगों के लिए बाइक भी बेस्ट है, बाइक लेकर आ सकते हैं। लेकिन नाइट में इस रोड पर ड्राइविंग करना रिस्की है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो रात में ड्राइविंग ना करें तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, और फिर आप इस खूबसूरती को भी मिस कर देंगे अगर आप रात में निकलने की कोशिश करते हैं। तो दिन में जाइए और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कीजिए, लैंडस्केप को देखिए, जहाँ रुकने वाली जगह है वहाँ रुकिए, फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए, 1 घंटे के सफ़र को आराम से 2-2.5 घंटे में पूरा कीजिए, तभी यहाँ की ब्यूटी को आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। खजियार में कैंपिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो एक बंदे का 1000 रुपये वो चार्ज करते हैं और आप कैंप में रुक सकते हैं जिसमें फूड भी इंक्लूड रहता है, वो भी खूबसूरत एक्सपीरियंस रहेगा खजियार में स्टे करने से रिलेटेड। और अभी यहाँ पर रोक लिया है हमें पुलिस वालों ने, देखते हैं क्या बात होती है, क्या क्या चीज़ें वो चेक कर रहे हैं, जो भी होगा आपको बताएंगे। बताइए क्या दिया जाए। एक लगा दो थोड़ी साइड में, चलो 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 क्या चलो हो गया मामला। फिलहाल हम लोग तो निकल चुके हैं, यहाँ पर पुलिस वाले ये चेक कर रहे हैं कि आप लोगों ने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं, और मास्क सभी लोगों ने लगाया है या नहीं। लेकिन हम सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ था और सीट बेल्ट भी हम लोग लगा के ही चलते हैं, तो उसके बाद उन लोगों ने हमें जाने दिया, तो ये सही भी है, ज़रूरी भी है, मास्क ज़रूर लगाइए, सीट बेल्ट का यूज़ कीजिए गाड़ी में ड्राइविंग करते वक्त। और फाइनली अभी हम खजियार में पहुँच चुके हैं, खजियार का वो फेमस ग्रीन वैली मौजूद है और अच्छे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, कुछ फूड पॉइंट भी हैं। यहाँ पर हमें लगानी होगी अपनी गाड़ी पार्किंग में, पर एक पार्किंग मौजूद है, चलिए लेफ्ट हैंड पर ही गाड़ी लगा देते हैं। वैसे आगे जाके इस रोड पर भी काफ़ी सारी गाड़ी पार्किंग में लग जाती है रोड साइड ही, लेकिन हमें अच्छी खासी पार्किंग दिखाई दी है, तो यहीं पार्किंग में लगाते हैं और उसके बाद आपको पूरे खजियार को घुमाएंगे और आप क्या एक्टिविटीज़ यहाँ कर सकते हैं सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे।
चलिए पहले गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में। सामने देखिए आप नजारे, यही है खजियार की खूबसूरती। और से यहाँ पर घोड़े वगैरह यहाँ खड़े हो गए हैं, घुड़सवारी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, घुड़सवारी का यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल है कि घुड़सवारी आप करते हैं तो ये 5 या 6 कुछ अलग अलग पॉइंट्स घुमाने ले जाते हैं। कुछ टेंपल हैं, कुछ व्यू पॉइंट हैं जहाँ से आप चमेरा लेक वगैरह देख सकते हैं, तो काफ़ी सारी पॉइंट्स पर ये ले जाते हैं। अगर आप घुड़सवारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल खजियार के ये खूबसूरत नज़ारे देखिए, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, लेकिन मैं इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हमारा देश भारत है और ये हमारे देश भारत की खूबसूरती है। बहुत खूबसूरत जगह, पूरा ये जितना भी ग्रीन ग्राउंड है ना, उसके चारों तरफ देख सकिए आप पाइन के ऊंचे ऊंचे ट्री हैं, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं। कैमरे में आप शायद खूबसूरती को उतना ज़्यादा नहीं इंजॉय कर पा रहे होंगे, लेकिन रियल में देखेंगे तो बहुत शानदार। तो अभी मौजूद हैं खजियार में और खजियार वैली में हैं, पूरी तरह से ग्रीन वैली, और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर अभी मौजूद हैं। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी भी हम यहाँ पर आके कर सकते हैं। साइड सीन में घोड़े वाले पे जाएंगे आप तो 1500 रुपये पर घोड़े। कहाँ लेकर जाएंगे? आगे साइड सीन के लिए। कहाँ कहाँ? यहाँ से सर आपको, वहाँ से आपको चमेरा लेक दिखेगा, चंबा लेक दिखेगा, कैलाश पर्वत दिखेगा, काली माँ का टेंपल है, हनुमान जी की मूर्ति है, एक पेड़ के ऊपर 12 पेड़ लगे हुए हैं, बफेलो केस बने हुए नेचुरली, डायनासोर की शेप में पेड़ गिरा हुआ है, वो सब कुछ, हनुमान जी की तस्वीरें 25 जी। सामने ही जो आप झील देख रहे हैं, इसी को खजियार लेक बोला जाता है, और यहाँ इस ग्राउंड में इस जगह बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ मौजूद हैं, और इसके अलावा फूड के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अंदर मौजूद हैं ग्राउंड के और वैली के अंदर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ मौजूद हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। फूड के भी अलग अलग पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं। बहुत शानदार जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ आने के बाद एटलीस्ट 2-3 घंटे तो आप बिताएंगे ही। यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा देखिए, यहाँ की व्यूज़ को एंजॉय कीजिए, नेचर को देखिए। ऐसी खूबसूरत जगह बार बार देखने के लिए नहीं मिलती है। आपको एक नज़ारे कैसे लग रहे हैं जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। बच्चों के लिए भी बहुत सारे यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों के लिए भी बहुत सारे खाने पीने के आइटम्स मौजूद हैं, बड़े लोगों के लिए भी खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्ट्रीट फूड आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। इस पूरी वैली का हम एक वॉक अराउंड करेंगे, चारों तरफ देखेंगे, सभी जगह देख के आएंगे, घूम के आएंगे कि कहाँ क्या क्या है। सारी बातें आपको बताते रहेंगे, शेयर करेंगे, नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी लाकर पार्किंग में लगा सकते हैं। ये भी पार्किंग फ्री, मतलब आपने पेमेंट पहले ही कर दिया था 50 रुपये का, वही रहने वाला है, अलग से आपको चार्ज नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वैली में और क्या क्या है। यहाँ पर एक पुल मौजूद है छोटा सा, जो इस लेक के ही एक हिस्से पर बनाया गया है। चलिए, यहाँ से काफ़ी लोग ना सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफी करते हैं इस पर खड़े होकर, और बहुत खूबसूरत नज़ारा आता है पूरी वैली का। यहाँ से फोटोग्राफी करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है ये। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जॉर्बिंग के भी ऑप्शन हैं, आप जॉर्बिंग कर सकते हैं। इस बॉल में 2 या 3 लोगों को एक साथ बैठाया जाता है और बेल्ट के थ्रू उन लोगों को बांध दिया जाता है अच्छे तरह से,
तो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इस बॉल को लुढ़काया जाता है, दिखाते हैं हम आपको कुछ इस तरह से। बहुत मज़ेदार जगह है, एडवेंचर के शौकीन लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। इस एडवेंचर को बच्चे भी कर सकते हैं, एडल्ट भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। वेदर भी बहुत अच्छा आज तो हो रखा है, बादल हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय लोग कर रहे हैं। काफ़ी सारे फूड के ऑप्शन हैं, कॉर्नफ्लैक्स, भुट्टे, कुछ भी आप यहाँ से खा सकते हैं। और उधर सामने हम देख पैराग्लाइडिंग भी वहाँ हो रही है। पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो ये लोग चार्ज करते हैं 1000 से 1200 रुपये। और ये बड़ी पैराग्लाइडिंग नहीं है, छोटी सी पैराग्लाइडिंग है। बच्चे भी इस पैराग्लाइडिंग को करते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बॉल से खेल रहे हैं, तो सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने साथ बॉल वगैरह ला सकते हैं, आप यहाँ पर बैडमिंटन खेल सकते हैं। तो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत जगह है। ये होती है पैराग्लाइडिंग। दो तीन घंटे बिताने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। और ये है वो रोड जहाँ पर गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं, और इसी पार्किंग में हमारे दोस्त गाड़ी लेकर आ गए थे। खजियार आने के बाद आप कैंपिंग कर सकते हैं। एक व्यक्ति का चार्ज 1000 रुपये है, इसमें फूड इंक्लूड रहता है। काफ़ी सारे कैंप साइट खजियार में मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर आने के बाद आप अलग अलग जगहों पर घूमने जा सकते हैं। जैसे 25 फीट हनुमान स्टैचू यहाँ पर है, पैदल ही आप जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत हनुमान जी की स्टैचू है, देखने जा सकते हैं। इसके अलावा खाजी नाग टेम्पल है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, वहाँ आप जा सकते हैं। इसके अलावा खजिहार से चंबा जाते वक्त 2 किलोमीटर दूरी पर ही लॉर्ड शिवा की स्टैचू है, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत स्टैचू है, उसे देखने आप जा सकते हैं। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप जाना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। रावी नदी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। खजियार में ट्रैकिंग के ऑप्शन हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और खजियार से चंबा रोड पर ही करीब 4.5 किलोमीटर आगे जब आप आएंगे तो वहाँ पर एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप मणिमहेश कैलाश दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप खजियार में आने के बाद घूमने जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। हम इन सभी पॉइंट्स पर इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि हमारी जर्नी बहुत लॉन्ग है, बहुत दूर हमें जाना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हम यहाँ स्पेंड नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि हम इन सभी पॉइंट्स पर नहीं जा पाए। लेकिन अगर आप आते हैं, सिर्फ खजियार एक्सप्लोर करते हैं, तो आप इन सभी पॉइंट्स पर जरूर जाइएगा। बहुत शानदार जगह है। आपको पसंद आई ये जगह या नहीं आई, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप में से कितने लोग खजियार घूमने आ चुके हैं, वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करिएगा। और जो लोग घूमने नहीं आए हैं तो वो हमारी वीडियो के माध्यम से घूम रहे हैं, तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो आपको। रोड के दूसरी साइड भी काफ़ी अच्छे पार्क मौजूद हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है #चलो चंबा। बहुत लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं, बहुत लोग इस जगह खड़े होकर फ़ोटो क्लिक कराते हैं। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ये फ़ोटो आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा खजियार का। चलो और चंबा के बीच में लोग खड़े होते हैं और फोटोग्राफी कराते हैं। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ से व्यू देखिए आप पूरी वैली का। बीच में ये कार खड़ी हुई है, उसके पार पूरी वैली है, और वहाँ पर खजियार लेक हमें दिखाई दे रही है। विंटर के समय में अगर आप यहाँ आएंगे ना, तो यहाँ सभी जगह बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है और सब पूरी वैली स्नो से भर जाती है, तब भी यहाँ बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। स्कीइंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्कीइंग के लिए वैसे बहुत ज़्यादा स्लोप यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी ऑप्शन है। और इसके अलावा ट्यूब राइडिंग वगैरह यहाँ कराते हैं, तो एडवेंचर के शौकीन सर्दियों में भी यहाँ काफ़ी एडवेंचर करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा जो यहाँ पर घूमने का है, वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में, क्योंकि इस समय यहाँ की ग्रीनरी पीक लेवल पर होती है। क्योंकि बरसात का समय रहता है तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली यहाँ छा जाती है, काफ़ी ज़्यादा हरियाली, काफ़ी ज़्यादा हरा भरा ये पूरी वैली हो जाती है। तो चलिए, अभी तो हमें खजियार से आगे बढ़ना है, हमें चंबा जाना है और चंबा से आगे सचपास जाना है। तो इस वीडियो को तो हमें यहीं पे एंड करना होगा क्योंकि काफ़ी बड़ी ऑलरेडी ये वीडियो हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे की जर्नी कराएंगे, और ये जर्नी, ये सीरीज बहुत एडवेंचर से भरी रहेगी। आगे के पार्ट और भी ज़्यादा खूबसूरत रहेंगे,
जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ बेहद खतरनाक रास्तों से हम लोग होकर निकलेंगे, तो प्लीज़ सारे पार्ट्स जरूर देखिएगा। पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।